जो मुल्क के टैक्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में था मुल्क के टैक्स के बाद क्या 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 होते हैं जी ये तो दाही तौर पर तो करेंगे हर एक लॉन्डी तौर पर नए फील्ड में जैसे उनकी अपनी एक जुबान है जी तो समझते हैं उसको है? वो इसी तरह हमारे सलमान साहब जानते नहीं नहीं जरूरी नहीं वो जो तयूर हैं वहाँ वो उससे मुराद फौजी दस्ते हैं बाज जिनमें गैर मामूली सलाहियतें फ्लाइंग अटैक्स करने की है वो उसी नुस्खे से उनका नाम तैयार रखा गया है और उनके अंदर उनकी खास कोई इस्तेमाल जुबान भी चलती होगी जिस तरह वो पासवर्ड्स होते हैं और बाजुबान होती है ये एक एक माना है इम्कान दूसरे उस जमाने में तो साबित नहीं है कि परिंदों की कोई जुबान हजरत सुलेमान ने इस्तेमाल की हो और उससे इस्तेफादा किया हो और वाकयातन परिंदे आपकी गुलामी करते हों बिल्कुल खत्म साबित नहीं इसलिए मंतक तैर से मुराद या तो वो रूहानी माने लेंगे या फिर ये माने लेंगे कि परिंदों में भी एक सलाहियत मौजूद है और आइंदा जमाने में कोई ऐसी दरियाफ्त होगी जिससे पता चलेगा कि परिंदों के आपस में बोलने चालने के भी कुछ कवानीन हैं तो इस पर से मैंने कई दफ़ा एनर्जी साइंटिस्ट को तो दवाई है तरकीब भी बताई है पर अभी तक अमल नहीं हुआ वो ये है कि हमारी पिच मुख्तलिफ होने की वजह से हम बार दफ़ा एक चीज़ को मुबहम समझते हैं हालांकि वो अल्फाज पर या मानी वाले टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है आप जो तकरीर करें उसकी रिकॉर्डिंग अगर हाथ से चलाएं आहिस्ता आहिस्ता तो लगेगा भैंस बोल रही है जो भैंसे चोरी होकर आती थी ना अब्बल जान के पास इतनी इतनी भारी आवाजें हैं और अगर कोई भैंस की आवाज़ को तेज चला दे तो लगता परिंदे बोल रहे हैं तो उनके बीच में कोई ऐसा मकाम मुमकिन है कि जहां आप ठहर ठहर कर उनके फर्क महसूस करें मफहूम कोई मफहूम पैदा होगा वो मफहूम जो भी होगा वो बयान बहरहाल नहीं कहलाएगा इसलिए ये तर्जमा करना कि परिंदों की ऐसी जुबान थी जैसे इंसानों की जुबान थी हजरत सुलेमान को पता चलेगा ये वैसी झूठ है क्योंकि कुरान करीम इसके खिलाफ है कुरान करीम ने कहीं इशारातन भी आम जानवरों को इंसानों की तरह का बयान देने का जिक्र नहीं फरमाया बस जो मंतक है वो बयान नहीं है वो छोटे छोटे टुकड़ों में माफूज जमीर पेश करने की सलाहियत इससे ज्यादा कुछ नहीं और उनसे जुबान नहीं बनती हर दफा वही आवाज उठेगी हम कैबों को डालता हूँ सुबह रोटी तो जब वो उनकी खास आवाज उठती है बस मुझे पता लग जाता है कि अब ये कबे नीचे नहीं उतरेंगे क्योंकि उस आवाज में एक गुस्सा एक बदमिजाजी पाई जाती है वो डरे होते हैं किसी कुत्ते के गुजरने से किसी और बात से तो खास आवाज निकलते हैं और कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं ना पहचाना हो मुड़ के देखता हूँ उसी तरह ऊपर फिर रहे हैं या दरख्त पर बैठे हुए हैं तो उनकी आवाजों में भी बुलाने का अंदाज और है खौफ दिलाने का और है सी गर्ल्स की आवाज़ पे तहकीक हो चुकी है वो खौफ दिलाने वाली आवाज़ उनकी मुख्तलिफ है इसी तरह दूसरे जानवरों पर भी हो चुकी है तो तहकीक शुदा बातें हैं इसमें कोई शक वाली बात है तो मंतक से वो मुराद है अगर जाहिर लेना है तो मंतक से वो मुख्तलिफ टुकड़ों में उनके कंप्यूटराइज्ड मैसेज जो खुदा ने उनको दे रखे हैं उनका बयान वो करते थे अगर हजरत सुलेमान को उसकी समझ आती होगी तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है क्या रजे इसमें ये भी दे सकते हैं कि जिस तरह के हजूर मुस्लिम कामों के इसमें ये भी सोच सकते हैं कि वह खत्म हो चुका है।